नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। दोस्तों आज की वीडियो में पहले की तरह फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन जो कि है बिग बाजार की तरफ से। अगर आप बिग बाजार में ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए ध्यान से देखेगा। मैं दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस जॉब के बारे में और साथ ही साथ बताऊंगा सही तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक लिंक पे हूँ। ये लिंक जो है ये है फ्यूचर ग्रुप का और बिग बाजार जो है वो फ्यूचर ग्रुप के अंडर ही जो है वो आता है। तो आप अगर चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो यहाँ पे नीचे जब इस लिंक पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको जॉब्स जो कि अलग अलग सिटीज़ में होंगी और अलग अलग जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी होगी। आप चाहें तो एक से ज़्यादा के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह की जो फ़ी है वो हम पे नहीं कर रहे हैं। तो बेफिक्र होकर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों आप नज़र डाल लेते हैं जॉब्स की तरफ। ये ज़्यादातर जॉब्स जो हैं ये अगस्त के मंथ में जो है वो पोस्ट करी गई हैं। जो लास्ट जॉब पोस्ट हुई थी वो 3 दिन पहले हुई थी, 28th of August को। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग जो है वो एक्सपीरियंस है और हो सकता है कुछ के लिए एक्सपीरियंस ना हो, ये आपको जो है वो चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हो सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी उसकी डिटेल। चलिए मान लीजिए ये जो जॉब है मुंबई की, ये जॉब है कंटेंट राइटर की। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं अगर हमने इसके लिए अप्लाई कर दो। तो जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जॉब के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए सिमिलर रोल में। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन जो है आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी ये बहुत सारी चीज़ें ये सारी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना तो आपको जो है सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपसे मांगा जाएगा लॉगिन डिटेल, जो कि हम फर्स्ट टाइम अगर इस पेज पे आ रहे हैं तो हमारे पास होगी नहीं। तो हमें सिंपली यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा साइन अप, आपको सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्म है ये खुलकर आपके सामने जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो सबसे पहले ऑप्शन दिखेगी वो दिखेगी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वाली। ये सारी चीज़ें जो है आपको फिल करनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल, उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे जो है वो रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको जो है वो एडिशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो बताना पड़ेगा। ये चारों जो है फील्ड को फिल करने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे उस जॉब के लिए जिस पर आपने जो है वो क्लिक करा था। और यहाँ पे दोस्तों पर्सनल डिटेल जो है जब आप फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट दीजिएगा जो आपके रिज्यूम में होगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना रिज्यूम यानी कि अपना CV जो है यहाँ पे चूज़ करके सिलेक्ट कर लेना है और उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट में होना चाहिए या PDF फॉर्मेट में जो है वो होना चाहिए। अगर इन दोनों फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपको जो है वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस को जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोबारा से, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियोज़ लेके मैं आता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।